हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम सेकंड चैप्टर की रीडिंग करेंगे, जिसमें बताया गया है कि महाराजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहब के चारों पासे सोना ही सोना चढ़वाया था। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हो कि पूरा ही पीले रंग का लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। ये अमृतसर जो शहर है, इस गुरुद्वारा से बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसको देखने के लिए देशों विदेशों से लोग माथा टेकने के लिए आते हैं और अपनी मन्नत को पूरा करते हैं, और सरोवर में स्नान भी करते हैं और अपने कष्ट दूर करते हैं। हरमंदिर साहब विच लंगर हाल भी है जो हर वक्त चलता है। हरमंदिर साहब क्या है? दर्शन ड्योढ़ी है, जिसके सामने श्री अकाल तख्त साहब की इमारत है। श्रद्धालु माथा टेकन तो बाद उसके आगे भी शीश झुकाते ने। इत्थे दी देखण लई दूर दूर तो यात्री आते हैं, ते उन्हां दा रहण दा भी प्रबंध इत्थे चंगी तरह किया जाता है। हरमंदिर साहब विच एक अजायब घर भी है जो वेखन जोग है, लोग इसको भी वेखते हैं। इस अजायब घर विच पुराने सिखां ते गुरुआं दियां हथ लिखतां हथियारां तस्वीरां साम के रखियां हुई हैं, जिन्हां नूं देख के मन बागो बाग हो जाता है, मतलब मन तृप्त हो जाता है। इस तो इलावा हरिमंदर साहब विच गुरद्वारा बाबा अटल, कौरसर, रामसर, विवेक सर, संतोख टाली दे दर्शन भी करने योग हन। हरिमंदर साहब विच दिवाली वाले दिन नज़ारा देखने वाला आता है, बहुत ही बढ़िया सजा रखा होता है। ऐदा लगता है जिवें आकाश विचों सारे तारे ही सरोवर विच आ गए हों।